उंगलियों पर जिक्र करने की फजीलत। क्या किसी हदीस में ये मफहूम है कि अपनी उंगलियों पर जिक्र किया करो क्योंकि कब्र में ये तुम्हें रोशनी देंगी। ज़ैब आलम, मेरे इल्म में ज़ैब आलम साहब ऐसी हदीस नहीं है। अलबत्ता हदीस वो उंगलियों पे जिक्र करना भी जायज़ है और तस्बीह पे भी जिक्र करना भी जायज़ है। तो उंगलियों पे जिक्र करने की फजीलत इसलिए ज़्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अक्दुल अनामिल, ऐसे उंगलियों के पोरों पे जिक्र किया करते थे। और कुरान से ये पता चलता है कि जो भी आप इबादत करेंगे जिस्म के वो आज़ा गवाही देंगे। तो अगर आप उंगलियों पे जिक्र करेंगे तो ये उंगलियाँ क़्यामत के दिन कल आपके हक़ में गवाही देंगी कि अल्लाह इसने हमारे ज़रिए तेरा नाम लिया है। तो लेकिन उंगलियों पे मुश्किल होती है, गिनना मुश्किल होता है, तो फिर इसलिए तस्बीहात में रखी जाती है। आजकल तो डिजिटल तस्बीह आ गई हैं। तो अगर उंगलियों पे जिक्र करने में जिक्र की तौफीक कम मिल रही है मुश्किल की वजह से, तो फिर बेहतर है कि जिक्र को फोकस करें, आप तस्बीह रख लें ताकि जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो असल तो यही है कि उंगलियों पे जिक्र करें, लेकिन अगर उसमें जिक्र कम हो रहा है, मुश्किल हो रही है, तो फिर तस्बीह पे कर लें, क्योंकि उसमें फिर जिक्र ज़्यादा कर लेता है इंसान, अल्लाह का नाम ज़्यादा ले लेता है।